हेलो दोस्तों, पूर्व की भांति एक बार फिर हाजिर हैं एक नए टेंस के साथ एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हम हैज हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हैज हैव के साथ में हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिसको हम अंत से उठा करके प्रारंभ में लाते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर हैज़ या हैव आएगा। फिर यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट या नेवर लगा देंगे, और नेगेटिव नहीं है अर्थात अफर्मेटिव है तो हम नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ले आएंगे। यहाँ पर एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि ये जो नॉट या नेवर हैज़ या हैव के बाद लगा हुआ है ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, लेकिन यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब हम नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। उस स्थिति में सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव, बीन थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो नॉट या नेवर का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे जो अंत से उठा के लाते हैं, वर्ब की फॉर्म के बाद से उठा करके उसे हम प्रारंभ में लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट लाएंगे। फिर नॉट या नेवर यदि है तो लगाएंगे, नहीं है तो हटा देंगे। फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा करके जो प्रारंभ से उठा करके सब्जेक्ट लगाते हैं उसका हम प्रयोग बाई के बाद कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी इक्वेशन है, और इक्वेशन को हम ठीक प्रकार से समझने के लिए अर्थात इन नियमों को ठीक से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में अध्ययन करते हैं। और इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है फादर हैज़ टॉट मी इंग्लिश टुडे। पिताजी ने पढ़ाया है मुझे इंग्लिश टुडे, माने आज पिताजी ने आज मुझे इंग्लिश पढ़ाई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर ये कहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित है कि आपकी समझ में पूरी तरीके से ये सेंटेंस आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं। फादर हैज़ टॉट मी, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है टॉट, और टॉट के तुरंत बाद में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है आई, यानी कि मी का शुरू में हो जाएगा आई। आई के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। फिर बीन का प्रयोग करेंगे जैसा कि हमने ऊपर नियम में अभी पढ़ा था, आई हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश, जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका प्रयोग करेंगे, इंग्लिश टुडे। बाई फादर, बाई फादर, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश टुडे बाई फादर। टुडे को हम यहाँ अंत में भी हम लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। माई सर्वेंट हैज़ स्टोलन माई अम्ब्रेला, मेरे नौकर ने चुरा लिया है मेरा छाता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा माई अम्ब्रेला, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, और स्टोलन के तुरंत बाद में है माई अम्ब्रेला। तो माई अम्ब्रेला को उठा के हम प्रारंभ में लाएंगे, माई अम्ब्रेला। सिंगुलर है तो हैज आएगा, फिर बीन आएगा, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई अम्ब्रेला हैज़ बीन स्टोलन। फिर बाई लगा करके माई सर्वेंट अंत में ले जाएंगे, माई सर्वेंट। माई अम्ब्रेला हैज़ बीन स्टोलन बाई माई सर्वेंट। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 था, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलेंगे। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पूरा नहीं किया है अपना कार्य। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माई वर्क, माई वर्क। अब नियम के अनुसार वर्क सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। माई वर्क हैज़ नॉट बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड, माई वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाई, और जो शुरू में सब्जेक्ट है आई, आई का हो जाएगा मी, माई वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाई मी। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। शी हैज नॉट गिविन दैम हर ड्रेस, उसने नहीं दी है उन्हें अपनी ड्रेस, उसने उन्हें अपनी ड्रेस नहीं दी है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है गिविन, और वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देम, तो देम को उठा करके हम लगाएंगे दे, देम का सब्जेक्ट होता है दे, तो दे दे प्लूरल है, दे के साथ में हैव आ जाएगा, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गिविन, दे हैव नॉट बीन गिविन हर ड्रेस बाई, शी को हम अंत में ले जाएंगे हर, बाई हर, दे हैव नॉट बीन गिविन हर ड्रेस बाई हर, यानी कि उन्हें नहीं दी गई है अपनी ड्रेस लड़की के द्वारा, लड़की के द्वारा उन्हें अपनी ड्रेस नहीं दी गई है। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 4 था। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5th। हैज शी नॉट पेड हर फीस येट, क्या उसने नहीं चुकाई है अपनी फीस अभी तक। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में है, तो हेल्पिंग वर्ब ही प्रारंभ में रहेगी। अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है पेड, पेड के तुरंत बाद में है हर फीस, तो यहाँ पर हर फीस के लिए हम लगाएंगे हैज हर फीस, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पेड, हैज हर फीस नॉट बीन पेड येट, और बाई लगा करके शी को हम बाद में ले जाएंगे, ये हो जाएगा हर, हैज हर फीस नॉट बीन पेड येट बाई देम, बाई हर। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस नंबर 5th। अब एक और अलग तरह का सेंटेंस लेते हैं। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी देखा है ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, सीन के तुरंत बाद में है ताजमहल, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ताजमहल है, तो ताजमहल को उठा करके हम प्रारंभ में लाएंगे, सिंगुलर है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ दी ताजमहल, हैज़ द ताजमहल एवर एवर, अब आ जाएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सीन, और बाई लगा करके आ जाएगा यू, हैज द ताजमहल एवर बीन सीन बाई यू, क्या ताजमहल कभी देखा गया है आपके द्वारा। तो ये सेंटेंस हमारा नंबर 6। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हु हैज गिविन यू 10 रुपीज़, किसने दिए हैं तुम्हें 10 रुपये, तुम्हें 10 रुपये किसने दिए हैं। तो यहाँ पर हु का सेंटेंस, जैसे कि हमने और टेंस में भी पढ़ा था, हु का हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, बाई हुम। अब यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में यू के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं, बाई हुम हैव यू, फिर बीन आएगा, फिर नॉट यहाँ है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गिविन, बाई हुम हैव यू बीन गिविन, अब आ जाएगा 10 रुपीज़, बाई हुम हैव यू बीन गिविन 10 रुपीज़, किसके द्वारा तुम्हें दिए गए हैं 10 रुपये। एक और अलग तरह का सेंटेंस आता है। विच अम्ब्रेला हैव यू नॉट बॉट येट,
कौन सा छाता तुमने नहीं खरीदा है अभी तक? तो यहाँ पर जो विच अम्ब्रेला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम प्रारंभ में ही रखेंगे। यहाँ पर ये यह ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, अम्ब्रेला। विच अम्ब्रेला, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसी के साथ में हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला सिंगुलर है तो हैज़ आ गया। फिर नॉट, उसके बाद आएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, येट, बाई, यू को उठा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हम अंत में ले जाएंगे, बाई यू। विच अम्ब्रेला हैज़ नॉट बीन बॉट येट बाई यू, अभी तक कौन सा अम्ब्रेला नहीं खरीदा गया है तुम्हारे द्वारा। तो दोस्तों, एक और अलग प्रकार के एग्जाम्पल के साथ, हाउ मैनी लेसन्स हैव यू लर्न सो फार, कितने लेसन्स पढ़े हैं आपने, याद किए हैं अभी तक, अभी तक आपने कितने लेसन याद किए हैं। तो ये हाउ मैनी लेसन्स, ये ऐसा का ऐसी आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड भी है और ये लेसन्स ऑब्जेक्ट भी है। तो हाउ मैनी लेसन्स, अब यहाँ पर ये एस लगा हुआ है, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग हो जाएगा। नॉट यहाँ पर नहीं है तो हैव, हाउ मैनी लेसन्स हैव बीन, यहाँ बीन का प्रयोग आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लर्नड, सो फार बाई, यहाँ पर यू जो सब्जेक्ट था, वर्ब की फॉर्म से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ ले आएंगे अंत में, बाई यू। हाउ मैनी लेसन्स हैव बीन लर्नड सो फार बाई यू, अभी तक तुम्हारे द्वारा कितने लेसन याद किए गए हैं। तो दोस्तों, एक अंतिम सेंटेंस और इसी टेंस का हम जानेंगे उसके बारे में, वेयर हैव यू पुट माई शूज़, तुमने मेरे शूज़ कहाँ पर रखे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है वेयर, अब शूज़ प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग आएगा, वेयर हैव माई शूज़, वेयर हैव माई शूज़, नॉट इसमें नहीं है, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, वेयर हैव माई शूज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट की तीनों फॉर्म पुट होती हैं, पुट और फिर बाई, जो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है इसको हम अंत में ले जाएंगे, बाई यू। वेयर हैव माई शूज़ बीन पुट बाई यू। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हमने पढ़े, उनके बारे में हमने यह जानकारी ली कि इनको पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, इक्वेशन का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ यदि हम उसका जो नियम हमने पढ़े हैं उनकी यदि हम प्रैक्टिस भी अगर करें तो निश्चित रूप से हमारी समझ में एक बढ़िया प्रकार से ये हर टेंस आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, चूँकि हम जानते हैं कि नहीं बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम छोड़ करके अब पास्ट इंडेफिनिट की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।